नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आपको एडवांस में पीएफ का पैसे विड्रॉल करना है वो भी इनलेस पारा सिलेक्ट करके, तो आपको कैसे यहां पर पीएफ का पैसे विड्रॉल करना है उसके साथ साथ मैंने यहां पर बताने वाला हूं, इनलेस पारा अगर आप सिलेक्ट करते हो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, आपके पीएफ का पैसे कौन सा विड्रॉल होगा, जैसे कि एम्प्लॉयर शेयर हो गया उसके बाद पेंशन का पैसे कैसे यहां पर कैलकुलेशन किया जाता है इनलेस पारा सिलेक्ट करके, तो आपके पैसे कौन सा विड्रॉल होगा, कितना विड्रॉल होगा, वो सारे कुछ आपको जानकारी मिल जाएगा। इनलेस पारा सिलेक्ट करने के बाद आपके क्लेम कितने दिन में यहाँ पर सेटल होगा, कितने दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएगा, कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाला है। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो अब जाके आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पीएफ विड्रॉल करने के लिए आपको क्या करना है, पहले यूट्यूब के साइड में आ जाना है। अगर आप डायरेक्ट इस वाले पेज पर आने चाहते हो, इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रखा हूँ, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हो। अगर आप मोबाइल में ओपन करने चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है, ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा है, 3 डॉट में क्लिक कर रहे हैं, नीचे आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो लैपटॉप कंप्यूटर में जो भी इंटरफेस ओपन होगा आपके मोबाइल पर भी सेम चीज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, आपने यूएन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, यूएन नंबर के पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट आपको ये जो कैप्चर दिखाई दे रहा है, ये वाले कैप्चर को यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपको कैप्चर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, ये जो एरो दिखाई दे रहा है इस एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो कैप्चर है यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब सारे डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर साइन इन दिखाई दे रहा है, साइन इन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर अकाउंट ओपन हो चुका है। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर लेटर दिखाई दे रहा है, लेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लेम करने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले आपने जो बैंक के डिटेल्स है वो पहले चेक कर लेना है। बैंक डिटेल्स चेक करने के लिए यहाँ पर मैनेज दिखाई दे रहा है, मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर केवाईसी दिखाई दे रहा है, केवाईसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके जो बैंक के अकाउंट की जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपने कौन सा बैंक है, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सारे कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको एक बार चेक कर लेना है क्या आपके बैंक के डिटेल्स यहाँ पर सही है। अगर आपके बैंक के डिटेल्स सही है तो क्या करना है, यहाँ पर सर्विस दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन सर्विस, इसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लेम फॉर्म 31/19/10C/10D, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे करके दिखाई देता हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंटर बैंक अकाउंट नंबर। तो क्या करना है, अभी जो मैंने बैंक डिटेल्स दिखाया था वही वाले बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। अब बैंक अकाउंट नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई दिखाई दे रहा है, वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर यस दिखाई दे रहा है, यस के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो अगर अपने बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर गलत सबमिट करते हो यहाँ पर ग्रीन टिक नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुका है, तो आपको यहाँ पर इसी तरीके से चेक कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, अपने डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अगर आप चेक करने चाहते हो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, इसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पीएफ एडवांस फॉर्म 31, अगर आपने डेट ऑफ एग्जिट कर दिया तो यहाँ पर फॉर्म 19 और 10C भी आ जाएगा, जैसे कि इस अकाउंट में अभी भी डेट ऑफ एग्जिट नहीं हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है पीएफ एडवांस फॉर्म 31। तो क्या करना है, एडवांस में पीएफ का पैसे निकालने के लिए इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिलेक्ट सर्विस, इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जिस भी मेंबर आईडी से आप पैसे विड्रॉल करने चाहते हो वही मेंबर आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने एक ही कंपनी में काम किया यहाँ पर आपके पास एक ही मेंबर आईडी आएगा, अगर आपने 5-10 कंपनी में काम किया तो आपके पास यहाँ पर 5-10 मेंबर आईडी आएगा। तो आपको क्या करना है, जिस मेंबर आईडी से आपको पैसे विड्रॉल करना है वही वाले मेंबर आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिलेक्ट एडवांस पारा, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर आपने कोविड-19 के थ्रू दो बार अप्लाई कर दिया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, इमरजेंसी में आप दो बार अप्लाई कर सकते हो कोविड-19 के थ्रू, 2-4 दिन में पैसे आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इनलेस सिलेक्ट करते हो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 1 हफ्ता में भी आपके सेटल हो सकता है यहाँ पर, 2-4 दिन में भी सेटल हो सकता है, 15 दिन भी यहाँ पर टाइम लग जाता है बहुत बार। तो इस केस में कोविड-19 के थ्रू इन्होंने ऑलरेडी पैसे विड्रॉल कर चुका है, तो क्या करना है, हमें यहाँ पर इनलेस सिलेक्ट करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आपके सर्विस 5 साल से ऊपर है तो आपके पास यहाँ पर हाउसिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हाउसिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, हाउसिंग को भी आप चूज कर सकते हो, तो आपके जो एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर सारे यहाँ पर पैसे विड्रॉल हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो पैसे है, ये जो बैलेंस
आपको दिखाई दे रहा है ये वाले बैलेंस आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके 5 साल अभी तक सर्विस नहीं हुआ है, अब यहाँ पर हाउसिंग का चूज नहीं कर सकते, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इनलेस के थ्रू पैसे विड्रॉ करना है, तो हमें यहाँ पर इनलेस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है आपके पीएफ अकाउंट में बैलेंस कितना है, वो पहले आपको एक बार चेक कर लेना है। आपको पैसे जरूरी कितना है वो भी आपको एक बार डिसाइड कर लेना है, जो आपको पैसे कितना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर पासबुक ओपन कर चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बैलेंस दिखाई दे रहा है इम्प्लॉय शेयर जो है, इम्प्लॉयर शेयर के बैलेंस नहीं आएगा। जैसे इम्प्लॉयर शेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाले बैलेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इनलेस पारा सिलेक्ट करते हो तो आपको ध्यान रखना है ये जो इम्प्लॉयर शेयर है जो खुद के पैसे है, और खुद के पैसे कौन सा है यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यही वाले बैलेंस यहाँ पर आपके विड्रॉल होगा, लेकिन ये वाले बैलेंस आपको नहीं देखना है क्योंकि आपके टोटल सर्विस में जो भी बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, इससे आपको इसको माइनस कर देना है, तो आपके बैलेंस कितना बच रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 13,100 रुपया। तो हमें क्या करना है, यही वाले अमाउंट फिल करना है, ये वाले अमाउंट आएगा नहीं। तो आप यहाँ पर 15,000 भी सेट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस मंथ के जैसे यहाँ पर पीएफ का पैसे कंट्रीब्यूशन होगा जैसे कि 13,100 है, तो यहाँ पर आप 15,000 करते हो तो यहाँ पर सेटल हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर 15,000 सेटल हो जाएगा, वो भी मैंने यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। आपको टेंशन लेने कोई जरूरी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था इनलेस पर अगर आप सिलेक्ट करते हो इसका जो पीएफ का पैसे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है मैंने यहाँ पर डिटेल्स में बताया था। पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने सैलरी स्लिप लेना है। सैलरी स्लिप में आपको यहाँ पर चेक करना है आपके बेसिक सैलरी कितना है प्लस यहाँ पर आपके डीए कितना है, ये पहले आपको यहाँ पर जोड़ लेना है। एक महीना के सपोज मान लीजिए अगर आपके बेसिक सैलरी और डीए 10,000 बनता है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 6 महीने में आपके कितने बनता है वो पहले आपको यहाँ पर जोड़ लेना है। सपोज मान लीजिए आपके बेसिक और डीए 60,000 बनता है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपके जो इम्प्लॉय शेयर है जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है अपने इम्प्लॉय शेयर कितना है वो पहले आपको यहाँ पर देख लेना है। तो दोनों में जो भी कम अमाउंट बनेगा वही पीएफ का पैसे आपके यहाँ पर इनलेस पारा सिलेक्ट करने के बाद विड्रॉल होगा, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सपोज मान लीजिए आपके बेसिक सैलरी और यहाँ पर डीए 60,000 हो रहा है और आपके इम्प्लॉयज जो शेयर है जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है, सपोज मान लीजिए आपके यहाँ पर 1,00,000 है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 60,000 ही यहाँ पर सेटल होगा। सपोज मान लीजिए अगर आपके डीए और बेसिक सैलरी मिला के यहाँ पर 60,000 हो रहा है 6 महीने का, लेकिन आपके इम्प्लॉयज शेयर में यहाँ पर 30,000 है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 60,000 यहाँ पर विड्रॉल नहीं होगा, 30,000 ही यहाँ पर विड्रॉल होगा। अब मैंने यहाँ पर आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। हमें क्या करना है, 15,000 यहाँ पर फिल कर देना है। अब 15,000 फिल करने के बाद आपको क्या करना है, और थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इम्प्लॉय एड्रेस, तो आपको क्या करना है अपने एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आता है कौन सा एड्रेस हमें फिल करना है, तो मैंने यहाँ पर बता देता हूँ। आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। अगर आप जहाँ पर किराए में रहते हो वो वाले एड्रेस भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एड्रेस को लेके कोई भी टेंशन लेने का जरूरी नहीं है, यहाँ पर एड्रेस के वजह से कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर मैंने मुंबई कर देता हूँ, नहीं तो दिल्ली फरीदाबाद कुछ भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने फरीदाबाद फिल कर चुका हूँ, यहाँ पर भी फरीदाबाद फिल कर लेता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिलेक्ट स्टेट, इसके ऊपर क्लिक करना है, अपने स्टेट आपको यहाँ पर चूज करना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिटी, अपने सिटी के नाम यहाँ पर फिल कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना है अपने सिटी का जो भी शॉर्ट नेम है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। नेक्स्ट क्या करना है अपने एरिया के पिन कोड यहाँ पर फिल कर देना है। पिन कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है चूज फाइल, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है चेक के इमेज भी सबमिट कर सकते, नहीं तो पासबुक के इमेज भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्लियर इमेज आपको यहाँ पर सबमिट करना है। अगर आप पासबुक सबमिट करने चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है अगर आपके पिताजी के नेम प्रिंटेड है अपने ईपीएफ अकाउंट पर भी अपने पिताजी के नाम सेम होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप चेक सबमिट करने चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है आपके नाम चेक पर प्रिंटेड होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है जेपीजी नहीं तो जेपीईजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सबमिट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 100 KB से 500 KB के अंदर साइज होना चाहिए, ये सारे कुछ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ पर आप चेक सबमिट नहीं कर सकते या पासबुक के इमेज यहाँ पर सबमिट नहीं कर सकते। और एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आप पासबुक सबमिट करते हो तो आपको ध्यान रखना है आपके बैंक मैनेजर के सिग्नेचर और स्टैम्प होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। अब सारे कुछ समझने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर चूज फाइल दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या करना है,
जो भी हमारे चेक की इमेज है या पासबुक की इमेज है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इमेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओपन, ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर पासबुक के इमेज सेट हो चुका है। अगर आप चेक करने चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक दिखाई दे रहा है इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर व्यू दिखाई दे रहा है व्यू के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करके आपको एक बार चेक कर लेना है क्या आपने सही इमेज यहाँ पर सेट किया या गलत इमेज सेट किया, वो आपको एक बार चेक कर लेना है इसी तरीके से। नेक्स्ट क्या करना है, हमें यहाँ पर कैंसिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैंसिल, कैंसिल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो जो छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है गेट आधार ओटीपी, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाले मोबाइल नंबर पे आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा, पूरे मोबाइल नंबर नहीं आएगा, लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ओटीपी आने के बाद यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा है तो क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिसेंट ओटीपी, इसी के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, आपके पास यहाँ पर दोबारा ओटीपी आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, मैंने यहाँ पर ओटीपी फिल कर देता हूँ। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैलिड ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है, कोई जल्दीबाजी यहाँ पर नहीं करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप क्लेम स्टेटस चेक करने चाहते हो कैसे करना है वो भी मैंने यहाँ पर बता देता हूँ। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर क्लिक यहाँ दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्लिप मिल जाएगा, मतलब आपने जो अभी फॉर्म फिल किया वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसी तरीके से। अगर आप चेक करने चाहते हो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो, अपने फॉर्म के डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट आपने जो भी पासबुक या चेक सबमिट किया वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर क्लोज दिखाई दे रहा है, मैं क्लोज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्या करना है, क्लेम स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑनलाइन सर्विसेज, इसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रैक क्लेम स्टेटस, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमने जो अभी क्लेम लगाया वो आपको यहाँ पर इसी तरीके से दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑनलाइन क्लेम सबमिट एट पोर्टल, यहाँ पर आपके जैसे सेटल हो जाएगा इसी तरीके से दिखाई देगा। अब मैंने यहाँ पर क्लेम स्टेटस को ओपन कर चुका हूँ कुछ दिनों बाद। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे आने के बाद, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 24 सितंबर को मैंने अप्लाई किया था, इनलेस पारा सिलेक्ट किया था, 15,000 यहाँ पर अमाउंट फिल किया था और 27 सितंबर को हमारे यहाँ पर सेटल हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 3 दिन में यहाँ पर क्लेम तो सेटल हो चुका है, लेकिन आज की डेट यहाँ पर आप देख सकते हो 29 तारीख हो चुका है, मतलब हमारे यहाँ पर 29 तारीख को बैंक अकाउंट में पैसे आ चुका है। तो आपको भी यहाँ पर इसी तरीके से ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पर 24 तारीख को अप्लाई किया था 3 दिन में यहाँ पर सेटल हो चुका है और यहाँ पर बैंक अकाउंट में आने में यहाँ पर टोटल 5 दिन लगा है। तो अगर आप भी यहाँ पर क्लेम करने चाहते हो इनलेस पारा के तहत, आपको यहाँ पर इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्लेम करना है। 5 से 15 दिन तक यहाँ पर नॉर्मली टाइम लगता है आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने के लिए। अगर इस जानकारी को अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले।